ओम नमः शिवाय। आप सभी साथियों को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट में हम जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत की पारण की विधि, नियम और समय। किसी भी पूजा का फल तभी प्राप्त होता है जब उसका पारण भी नियमानुसार किया जाए। महाशिवरात्रि का व्रत त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से 8 मार्च को मनाया जाएगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भोलेनाथ का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। इस दिन भक्त सारा दिन उपवास रखते हैं और अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। शिवरात्रि के व्रत में नियमों का विशेष पालन किया जाता है। व्रत में केवल फलाहार और सात्विक भोजन ही किया जाता है। रात्रि के 4 पहर की पूजा के बाद अगले दिन व्रत खोला जाता है। आइए जानते हैं इस साल महाशिवरात्रि व्रत के पारण का समय क्या है और कितना मिलेगा समय इसके लिए और क्या है विधि और नियम। महाशिवरात्रि व्रत की शुरुआत आज 8 मार्च 2024 को हो चुकी है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल में 9:57 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 9 मार्च को संध्या काल में 6:17 पर होगा। तो शिव जी की पूजा प्रदोष काल में होती है, इसलिए उदय तिथि देखना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। और बात करें महाशिवरात्रि व्रत पारण की, तो महाशिवरात्रि व्रत का पारण 9 मार्च शनिवार को किया जाएगा। 9 मार्च को आप सूर्योदय के बाद महाशिवरात्रि का व्रत का पारण करें और इस दिन सूर्योदय होगा 6:37 पर सुबह के। और महाशिवरात्रि के दिन पारण का शुभ मुहूर्त है 9 मार्च की सुबह को 6:38 से लेकर के दोपहर के 3:30 तक पारण के लिए शुभ समय है। आप इस समय के बीच में कभी भी महाशिवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और आप जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत पारण की विधि और नियम क्या है। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय व चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के मध्य के समय में ही व्रत का समापन करना चाहिए। लेकिन एक अन्य धारणा के अनुसार व्रत के समापन का सही समय चतुर्दशी तिथि के बाद का बताया गया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिव पूजा और पारण दोनों ही चतुर्दशी तिथि अस्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का पारण नियम अनुसार करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के 4 पहर में शिव जी की पूजा करें। फिर अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके शिव की पूजा करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। शिव जी की पूजा के लिए पारण के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब शिव जी की विधिवत रूप से पूजा करें। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें और गंगा जल चढ़ाएँ। शिव जी को चंदन लगाएं और फूलों की माला पहनाएं। फूल अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। दीप जला करके कथा सुनें। इसके पश्चात शिव जी को भोग लगाएं। सात्विक चीज़ों का ही शिव जी को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आरती करें और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ही अपना व्रत खोलें। शिव जी से हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। और अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि व्रत का पारण करते समय क्या खाना चाहिए और उस समय क्या नहीं खाना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का पारण पूजा में चढ़ाए गए फल से करना चाहिए और शिवरात्रि व्रत का पारण हमेशा सात्विक भोजन से ही करें। लहसुन प्याज से युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए पारण के समय। मान्यता है कि इससे व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत खोलते समय तांत्रिक भोजन ना करें। व्रत पारण में जो भी भोजन बनाएं उसमें शुद्ध घी का ही उपयोग करें। कहते हैं कि व्रत पारण में कभी भी मूली, बैंगन और तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे सेहत पर नकारात्मक असर पड़ता है।
उपवास के बाद खट्टे फलों का सेवन एसिडिटी की समस्या कर सकता है। तो जो भी आप भोजन करें महाशिवरात्रि व्रत पारण करते समय वो शुद्ध देसी घी से ही बनाएं और शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी जानकारी महाशिवरात्रि व्रत पारण 2024 की। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको काम आए। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान शिव माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ आप इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। आपसे सीख मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोर्सेज सहित गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप हमारा साथ जरूर देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। शुभ महाशिवरात्रि।